हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। माय नेम इज मोहम्मद अली सुमरानी एंड यू आर वाचिंग अली सुमरानी व्लॉग। तो भाई मैं और अज़हर भाई जो हैं अभी केले या चीकू में से कोई एक चीज़ लेने जा रहे हैं। तो आज की सबील में या तो मिल्क शेक होगा या चीकू शेक होगा। तो मैं और अज़हर भाई हाय करते थे सलाम अलैकुम। तो हम लोग जो हैं वो या तो केले लेकर आएँगे या चीकू लेकर आएँगे, तो उस हिसाब से फिर आपको बताएँगे। फिर आगे ठीक है, मंडी में मिलते हैं। अज़हर भाई केले खरीद रहे हैं क्योंकि चीकू तो हमें मिले नहीं, तो हम केले अपने हिसाब से भी आप देखते हैं। चाचा ने लगाए हैं 70 रुपये किलो 50 दर्जन केले के। एक तरफ ये अम्मार भाई आज चाशनी बना रहे हैं और ये केले आ गए हमारे। तो अब इंशाल्लाह केलों को छीलने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ये हसनैन भाई है, हमजा भाई है, ये फहद भी आया आज हमारी कबील पे। जन्ना भाई क्या पोजीशन है? बस पोजीशन तो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह आज हम बना रहे हैं केले वाला शरबत, केले वाला मिल्क शेक बनेगा। सही है, बेसिकली चाशनी तैयार हो रही है, केले आ गए हैं। और केले कितना है जरा वो भी बता दीजिए। केले कितना है ये मुझे पता नहीं। ये टोटल मैं और अज़हर भाई केले लेने ही गए थे। कितने लेके आए? टोटल 50 दर्जन केले, ऑलमोस्ट 600 केले। माशाल्लाह 600 केले एक क्वांटिटी रखती है। और ये जब बनेगा तो हमने पहले भी बनाया था, बहुत अच्छा गया था, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद किया था। और इंशाल्लाह ये वाला भी हमारा अच्छा ही बनेगा क्योंकि पहले भी एक दफ़ा बना चुके हैं, तो इंशाल्लाह लोग पसंद करेंगे। ये शीरा ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब हो गया आज। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि पहले ही सब रेडी कर ले, रोज़ हम लेट हो जाते हैं, तो आज कोशिश होगी टाइम टू टाइम हर चीज़ पहले से रेडी करी जाए, उसके बाद प्रोसेस शुरू किया जाए। तरफ चाशनी बन रही है, दूसरी तरफ केले छीलने का प्रोसेस हो रहा है। हमजा भाई बैठे, हमजा भाई जरा हाय करते हैं ब्लॉग के अंदर लोगों को। हसन भाई हमारे भाई हेलो करते हैं सबको। अब्रार भाई, ये हमारे आज फाद भी आए हुए, हमारे छोटे कजन है, माशाल्लाह से इनका आईबीए में हो गया। ये फ्यूचर के बिल गेट्स हैं हमारे, ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं, जब भी इधर आते कोई ना कोई मिस्टेक कर देते। अभी इनने मैंने शूट कर लिया, केला भी गिरा दिया था। तो जो हम 50 दर्जन केले लेकर आए थे वो कम पड़ गए हैं, तो अम्मार भाई ने भी उज़ैर भाई को भेजा है और मजीद केले मंगवाने के लिए। 20 दर्जन और मंगवाए हमने केले, क्योंकि हमारे पास आज मिल्क शेक ज़्यादा है। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा प्लान लोगों को, ताकि टेस्ट आए। बिल्कुल, अब जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे 10 मुहर्रम करीब आता जा रहा है, लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग अभी 7 दिन में नहीं आ सके, उनकी कोशिश होती है कि आखिरी के 3 दिन तो मज़ादारी कर ही लें, तो रश बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमारी ये है कि तकरीबन इस दफ़ा 70 दर्जन केले का शेक बनेगा और फिर बाकी आगे का आपको प्रोसेस दिखा दें। अन्ना भाई और जैर भाई जो है, ये जैर भाई कितने केले लेकर आए मजीद? 25 दर्जन। क्या हिसाब पड़े? ये हमको 50 रुपये पड़े। 50 रुपये ये जो हम पहले लाए वो 70 रुपये तक। लेकिन ये छोटे हैं। अच्छा, इसका साइज छोटा है। फाज भाई टेबल लेके जा रहे हैं बाहर, बाहर टेबल सेट हो रही है और ये मजीद 25 दर्जन केले आ गए। तो टोटल आज हमारे पास 75 दर्जन केले हैं जिनको छीला जा रहा है इस बाल्टी के अंदर। फिर ग्राइंडर से या मिक्सर से इनको मिक्स किया जाएगा। अभी ग्राइंडर अरेंज कर रहे हैं, हमारे पास अपना ग्राइंडर नहीं है, ड्रिल तो है,
तो ग्राइंडर जैसे अरेंज होगा तो फिर इसको ग्राइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 75 किलो टोटली 75 दर्जन केले जो हैं इनको छील लिया गया, अब इनकी ग्राइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी और फिर उसके बाद ग्राइंडर आ गया। हम तो भाई ग्राइंडर अरेंज हो गया, सब हो गया, बस कूलर धुल रहा है, उसके बाद ये ग्राइंडिंग शुरू कर रहा है। फिर इसकी ग्राइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। बस ये भी उठाओ, नीचे से भी उठा लो सारे केले के छिलके बचे थे उसको इस बोरी के अंदर डाल के फिर डिस्बर्स किया जाएगा। हम कोई भी गंदगी कचरा बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्डिंग वालों के लिए भी हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें सवील लगाने में कोई ऑब्स्टिकल आए। नेक्स्ट टाइम हम सारी सफाई करके खुद जाते हैं। ये ग्राइंडर हमारे पे ग्राइंडर अरेंज हो गया है और ये इसको ग्राइंडर को अब स्थिति में लगाया जा रहा है, तो फिर हमारा काम अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और फटाफट इसको केलों को ग्राइंड करके इसकी प्योरी बना देंगे। ग्राइंडिंग का प्रोसेस फहद भाई और अब्रार भाई जो है ये केले का कंटेनर लेकर आ गए, केलों को ग्राइंड करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। है ना भाई, थोड़ी सी जगह दे दें ताकि कंटेनर अंदर चला जाए। इस तरफ केले ग्राइंड किए जाएंगे, उस तरफ हमारी चाशनी रेडी हो गई है, फिर जो है बैक साइड पे जो है वो क्या नाम है अल्लाह का भला करे बर्तन धोने का प्रोसेस होता है। फिर थोड़ा सा पहले दूध बनाया जाएगा और फिर उसके अंदर केले थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला जा रहा है इसके अंदर। फिर असैन भाई थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर वो जो केले का कंटेनर है वहाँ पे उसके अंदर फिर केले ग्राइंड किए जाएंगे। जहाँ अख्तर कोई आवर नहीं था बोलते रहो। बहुत अभी इसके अंदर कमी है, बहुत मोटे मोटे चंक्स हैं। एक काम कर, बात सुन, वाला ग्राइंडर चला हाँ वो आसान हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, इतना पतला पेस्ट होगा ना फटाफट हो जाएगा। सिर्फ केले डाल के देख, सिर्फ केले डाल। तो ये उदयर भाई अब इधर बर्तन धोने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे ही बर्तन रेडी हो जाएंगे तो फिर यही वाला टब है इसके अंदर मिल्क शेक बनाया जाएगा। अब ये जो पल्प बन गया है बनाना का, अब उसको इस मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड कर लिया जाएगा ताकि बिल्कुल प्योरी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो हमजा भाई जो है ये इस तरह से इसमें डाल के मिक्सी चला के इसको और पतला कर देंगे। बनती जा रही है इसको फिर कूलर के अंदर कन्वर्ट करते जा रही है। अगर किस्मत शायद गुमद रबीनम जरी है हजरत मौला रगीरम पजीराए खुदा मासा मरा बदलेंगे तुम्हारे, तुम्हें हसरत से देखा।
फरकान भाई आ गए हमारे ब्लॉग के अंदर आज। तो फरकान भाई कैसे हैं आप? मैं इतना लेट आया हूँ। क्यों आज आप लेट क्यों हो गए? मोबाइल देख रहा था घर पे। और रेहान आप सबसे पहले हो, आप क्यों लेट हो गए? यार आज आपने वेलकम टू द ब्लॉग भी नहीं किया। ये बर्फ का ट्रक भी आ गया हमारा आज। आज बर्फ़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी माशाल्लाह से, तो इसलिए बर्फ़ का पूरा ट्रक मंगवाया है इसमें से। ओपिनियन के लिए मामू को बुलाया गया। ये उसका होगा ना जो अपना बिना कल का था। चाशनी तो ना थी यार। अजय बिल्कुल चुप चुप पूछ रहे कहीं। क्रीम ला दी सर। मैंने भी ये ला दी। अरे आप क्रीम थे। ये मामू ये और तो ना थी। अगर ये होना चाहिए तो दोनों में होना चाहिए। गिलास दोनों में होना चाहिए। आप क्या उसमें मिलाओगे तो इसमें आई देखा भी इसमें भी टेबल हम पहले चाहिए। अब ये जो बनाना थ्योरी हमने बनाई है ये टब्स के अंदर जाना शुरू होंगी। इसके अंदर आइसक्रीम सोडा डाली जाएगी इसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए, जो बनाना शेक के साथ थोड़ा सा आइसक्रीम सोडा मिलाने से इसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा। Biyazay benim kalbim.
जगह सरवर का कुनबा जहां अख्तर कोई